बच्चों, इन लास्ट क्लास आई वाज टीचिंग यू अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पिछली कक्षा में बच्चों में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा रहा था, और आप ये समझे कि आज बच्चों हिंदी दिवस है ना, इसलिए अंग्रेजी का अध्यापक होते हुए भी मैं अधिक से अधिक ये प्रयास करूंगा कि आज मेरा वार्तालाप आपसे जो है वो अधिकतम कौन सी भाषा में हो, हिंदी भाषा में हो, है ना। मैं हिंदी भाषा में आपसे अधिक से अधिक संप्रेषण करने का प्रयास करूंगा, लेकिन जहां मुझे अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी बोलनी पड़ेगी वहां तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए फिर मेरे थोड़ी बहुत इंग्लिश तो मुझे बोलनी पड़ेगी, है ना। तो देखेंगे आप, तो ये बात मैंने बच्चों इसलिए कही है क्योंकि हम भारत के बेटे हैं, हिंदुस्तान के बेटे हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं और कोई दूसरी जबान पढ़े हैं, परंतु हमारी जो सबसे प्रिय भाषा है वो कौन सी है, वो हिंदी है, और उसको और हिंदी ही होनी चाहिए, है ना। आज अखबार के अंदर हिंदी के बारे में काफी लंबा चौड़ा है कि लोग ये समझते हैं कि साहब ग्लोबलाइजेशन से जुड़ने के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है। ये सच है कि अंग्रेजी थोड़ी बहुत आवश्यक है, पर बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी हिंदी भी जो है अपना क्या कर रही है, मतलब समझ गए आप, जो ग्लोबल फॉर्म है, वैश्विक रूप है, उसको ग्रहण कर रही है। तो मैं श्रृंखला से जुड़ता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा था बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके तहत पेज नंबर 55 के ऊपर बच्चों मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी, ठीक है। और जानकारी के तहत बच्चों आपको ये बताया था, देखेंगे आप, सिंगुलर गोज विद सिंगुलर एंड प्लूरल विद प्लूरल, ये तो बता चुका था मैं। ए सिंगुलर सब्जेक्ट शेल ऑलवेज बी फॉलोड बाई ए सिंगुलर वर्ब। हमने कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे बच्चों हिंदी में हम कहते हैं कि राम और मोहन जयपुर जाता है, थोड़ी बोलो ये, तब तो ये कहोगे नहीं राम और मोहन जयपुर जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जब कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया भी एक वचन होती है, और जब कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया भी बहुवचन होती है। परंतु एक बात और स्पष्ट मैंने विशेष बताई थी आपको कि हिंदी में तो कहते हैं कि सैम जाता है और फिर कहते हैं कि सोफिया जाती है, पर अंग्रेजी में बच्चों ऐसा नहीं होता है कि सैम गोज और सोफिया के साथ कुछ और करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, सैम गोज एंड सोफिया गोज। इसका मतलब यह हुआ कि लिंग के अनुसार हिंदी में क्रियाएं प्रभावित होती होंगी, बट इन इंग्लिश, परंतु अंग्रेजी में Verbs are never affected। क्या बोला बच्चों मैंने, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मैंने affected बोला, गलती से भी affected मत बोलना। क्या कहा मैंने, इधर देखेंगे आप, ये शब्द का फर्क है बच्चों, इसको समझो आप। ये affect होता है, affect का मतलब जानते हो किसी चीज के ऊपर प्रभाव डालना होता है। एक बात, ये verb है, क्या है ये verb है, ये क्या है बच्चों, effect। effect का मतलब किसी चीज के ऊपर प्रभाव डालना नहीं होता, बल्कि इसका मीनिंग तो केवल प्रभाव होता है, ये noun है। एक बात ये भी समझो बच्चों कि अफेक्ट के बाद कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं आपको कहता हूं कि इट अफेक्ट्स ऑन मी, ये बात मुझ पर प्रभाव डालती है, तो बच्चों यहां जो ऑन मैंने लगाया वो मैंने बिल्कुल गलत लगाया है। शुद्ध क्या बोलना चाहिए, इट अफेक्ट्स मी, इट इज अफेक्टेड बाई सो एंड सो, ये जो है फला फला चीज के द्वारा अफेक्टेड है। एक बात ये भी समझे कि बच्चों सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो वर्ब की होती है, क्या कभी नाउन की होती है, इसलिए कभी भी इफेक्टेड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट नाउन होती है, और बच्चों नाउन की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं होती। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म तथा फिफ्थ फॉर्म किसकी होती है, वर्ब की होती है, किसकी होती है, वर्ब की होती है। तो हमने आपको बताया कि अंग्रेजी में क्या होता है बच्चों कि जो क्रियाएं हैं वो लिंग के आधार पर कभी प्रभावित नहीं होती है। वर्ब्स आर देवर अफेक्टेड बाई जेंडर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में जेंडर के द्वारा अंग्रेजी कभी क्रियाएं कभी प्रभावित नहीं होती है, लेकिन किसके अनुसार होती है, वो नंबर सिंगुलर प्लूरल के आधार पे होती है, पर्सन के आधार पे भी होती है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं नंबर से ही सारी बातें क्लियर करूंगा। आइए देखिए, देयर इज नो नंबर, मैंने उदाहरण दिया था बच्चों की देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, आर आ रहा है, और जब मैं आपको कहता हूं देयर इज ए लॉकेट इन माई पॉकेट, जब मैं कहता हूं देयर इज ए लॉकेट इन माई पॉकेट, इसका मतलब यह होता है कि मेरी पॉकेट में एक लॉकेट है। तो बच्चों ये बताइए कि लॉकेट एक या चार पांच है, अगर एक ही है तो इसका प्रयोग होगा, लेकिन बच्चों अगर पांच लॉकेट है तब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, देयर आर 5 लॉकेट्स इन माई पॉकेट। मुझे समझाना यह है बच्चों कि जो सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं उनके बाद में जो वर्ब आती है वो देयर के आधार पर नहीं आती, क्योंकि देयर का तो कोई नंबर ही नहीं होता, देयर का एक वचन बहुवचन कुछ नहीं होता, देयर इज नॉट द रियल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में बच्चों जिनमें देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस के एट द बिगिनिंग मानी शुरुआत में किया जाता है, ऐसे वाक्यों में देयर फंक्शंस ओनली एज द डमी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में देयर केवल डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, रियल सब्जेक्ट कौन होता है,
रियल सब्जेक्ट का स्थान तो वर्ब के बाद होता है। और अगर बच्चों वह प्लूरल है तो उसके आगे वर्ब भी प्लूरल आएगी, और बच्चों अगर वह सिंगुलर है तो उसके ठीक पहले जो वर्ब आने वाली है वह भी सिंगुलर आएगी। फंडा क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, लिखवाने का काम मैं कम करता हूं, क्योंकि लिखने के लिए तो आपको पता है कि पूरा जीवन पड़ा है, बातें सुन लें, समझ लें, और परीक्षा के अंदर पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, अच्छे अच्छे नंबरों से जो है आपको परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहिए। सबॉर्डिनेट क्लॉज, ओके, ये समझाता हूं बच्चों, ये क्या है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चों कोई क्लोज है, तब आप क्या करोगे, क्लोज और फ्रेज। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई क्लोज या फ्रेज है तो बच्चों को हमेशा एकवचन माना जाता है और उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखना, सेंटेंस बोल रहा हूं, दैट, ये आप ही की किताब का सेंटेंस है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। That untouchables are a separate class is a stand on India's forehead। ये बच्चों महात्मा गांधी का पाठ है ना, उसका सेंटेंस है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, डेट का मतलब बताया बच्चों, डेट यानी की होता है, डेट का मतलब वह होता है आप जानते हो, और डेट यानी उस भी होता है, ये भी आप जानते हो। जैसे मैं आपको कहता हूं कि दैट इज एन एलिफेंट, वो एक आती है, लेकिन जब मैं आपको कहता हूं उस लड़के को बुलाओ, तब भी मैं कहता हूं कॉल दैट बॉय, कॉल दैट बॉय यानी उस लड़के को बुलाओ, तो आपने डेट का हिंदी अनुवाद इस बार उस किया, और पिछली बार आपने क्या किया था, पिछली बार आपने डेट का हिंदी अनुवाद वह किया था। और बच्चों जब मैं आपसे यह कहता हूं कि ही शेड टू मी, वह मुझसे बोला, आई एम डूइंग माई वर्क, और मैंने आपको कहा कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि, यहां दैट का मतलब क्या निकल रहा है, यहां दैट का मतलब की निकल रहा है। देखो बच्चों, दैट अनटचेबल्स आर ए सेपरेट क्लास, कि अछूत लोग एक अलग वर्ग है, एक अलग जाति है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये क्या है, इज स्टैंड ऑन इंडियाज फॉरहेड, ये भारत माता के ऊपर, स्नीजिंग इज फॉर प्रोहिबिटेड इन स्टूडियो, है ना, जानते हैं बच्चों आप, अभी मैं सेंटेंस समझाऊंगा आपको इसका मीनिंग क्या होता है ना। पहले दिखा देता हूं, इधर देखो, आप जानते हो बच्चों ये होता है स्नीजिंग इज प्रोहिबिटेड, क्या होता है, प्रोहिबिटेड एट द स्टूडियो। तो यह भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है, यह भी आपको समझनी चाहिए। अगर बच्चों किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कोई जेरंड आया है, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसी प्रकार से स्नीजिंग का मतलब छींकना होता है, स्नीजिंग इज प्रोहिबिटेड एट द स्टूडियो का मतलब होता है कि जो स्टूडियो होता है उसमें छींकना सख्त मना है। ये क्या है जी, जो मास कम्युनिकेशन की क्लासेज होती है बच्चों, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म वगैरह, तो उसमें बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि छींकना खांसना इत्यादि करना क्या है कि स्टूडियो में सख्त मना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स ए जिरंड, वो एक जिरंड बन जाता है। एंड व्हेन ए जिरंड इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट, और जब किसी सेंटेंस के शुरू में आप जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो बच्चों वो एक वचन होता है, इसलिए उसके आगे आपको क्या लगाना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं कहता हूं स्मोकिंग इज, क्या आपने कभी ये कहते हुए सुना है कि स्मोकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा आपने किसी को कहते हुए नहीं सुना होगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज का मतलब होता है तैरना क्या है, बहुत अच्छा व्यायाम है। उसी तरीके से बच्चों एस एन डबल ई जेड आई एन जी, यू नो क्या मतलब होता है इसका, इसका मीनिंग छींकना होता है। तो छींकना के अंत में ना आ गया, और ना आ गया और आपने उसका प्रयोगकर्ता के स्थान पर कर दिया, तो क्या बन गया, जिरंड बन गया, इसे वर्ब नहीं माना जाएगा। इट शैल बी कंसिडर टू बी ए नाउन इक्विवेलेंट, इसको नाउन इक्विवेलेंट माना जाएगा, और जब इसका प्रयोग आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर करोगे तो बच्चों एक वचन माना जाएगा। ऐसे नहीं कहोगे सुनो छींकना स्टूडियो में मना है, ऐसा नहीं कि छींकना स्टूडियो में मना होते हैं, ऐसे नहीं कह सकते आप, मना होता है, मना होता है यूं कहेंगे आप, इसे एक वचन माना जाएगा। मेरा समझाना यह है केवल,
आइए देखिएगा, दैट अनटचेबल्स आर ए सेपरेट क्लास, कि अछूत लोग एक अलग वर्ग है, एक अलग जाति है। यहां बच्चों इसका प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है बताओ, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो इतना बड़ा है, और इतना बड़ा है तो बच्चों मुझे ये बताओ कि ये शब्द है या शब्द समूह है। मुझे ये बताओ हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, एक दो तीन चार पांच छह, इट मीन्स देयर आर सिक्स वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये छह शब्द हैं, तो ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, दिस इज नॉट ए सिंगल वर्ड, दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलो ठीक है, एक बात तो आपकी समझ में आ गई है कि एक शब्द समूह है। आपको बच्चों ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक ऐसा शब्द समूह है जिसमें एक वर्ब है। क्या कहा हमने, एक ऐसा शब्द समूह जिसमें एक वर्ब होती है वह क्लोज होता है, और जब क्लोज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है तो बच्चों वो नाउन क्लोज होता है। क्या होता है वह, नाउन क्लोज होता है। तो ये पूरा का पूरा नाउन क्लोज है कि अछूत लोगों को एक अलग जाति या अलग वर्ग मानना, अलग वर्ग माना जाता है। ये क्या है, इज, यहाँ पर इज का प्रयोग किया आपने, आर का नहीं किया। इज स्टैंड ऑन इंडिया फॉर एड, ये भारत माता के माथे पर दाग है। महात्मा गांधी ने कहा था भारत माता के माथे के ऊपर कलंक है, कलंक का टीका है ये। क्या कि आप अपने भाइयों में से कुछ को कहते हो कि साहब ये क्या है, ये तो अछूत है। आप अपने ही भाइयों में से कुछ लोगों को कहते हो अछूत है। जब कोई पाकिस्तान का आदमी इंडिया में आता है तो वो अछूत नहीं है, इंग्लैंड का आदमी जब इंडिया में आता है तो वो अछूत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक भारत का बेटा, ठीक है, एक भारत का ही बेटा, यानी आप ही का भाई जो है वह, उसको आप कहते हो कि अछूत है। तो ऐसा मानना क्या है, ऐसा मानना भारत माता के माथे पर एक दाग है। मुझे आपको उपदेश नहीं देना है, मेरा मुद्दा जो वो सिर्फ ये है कि अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किसी क्लोज का प्रयोग हुआ तो है एक वचन माना जाएगा, और उसके लिए वर्ब गुण जी आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके, जिरंड की बात भी बता दी है। जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने को जिरंड कहते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो नाउन का काम करना चाहिए और उसका हिंदी अनुवाद करते समय उसके अंत में ना ध्वनित होना चाहिए, ठीक है, ना ध्वनित होना चाहिए। जैसे तैरना, उसी तरीके से बताया आपको, है ना। आगे बढ़ रहे हैं, अब मैं बच्चों आपको फ्रेज की कहानी बताता हूं। क्या होती है फ्रेज, आप इसे उतार भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। देखो बच्चों, देखना इधर, एन एप्पल ए डे, क्या लिखा आपने, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, यानी एक सेव जो आदमी रोज खाता है ऐसे आदमी को डॉक्टर से कभी कोई काम नहीं पड़ता, डॉक्टर उसके घर से कई कोस दूर रहता है। एक व्यक्ति जो रोज सेव खाता है, दूसरा व्यक्ति जो अर्ली इन मॉर्निंग उठ करके 5 बजे अगर मान लो मॉर्निंग वॉक पे जाता है और व्यायाम करता है, तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से सदैव पुष्ट बना रहता है, ऊर्जावान बना रहता है। और ऐसे व्यक्ति से क्या होता है बच्चों, डॉक्टर ऐसे व्यक्ति के घर से कई कोस दूर रहता है। ये अंग्रेजी की कहावत है। तो एन एप्पल ए डे में आप बच्चों ये देखो, ये तो वर्ब है, वर्ब की तरफ ध्यान मत दो, आप तो सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो। सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चों एन एप्पल ए डे, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, देयर आर 4 वर्ड्स। इसका मतलब ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, इसका मतलब ये भी एक शब्द समूह हुआ, परंतु ये एक ऐसा शब्द समूह है बच्चों जिसमें वर्ब नहीं है। दिस इज ए वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्रिया रहित शब्द समूह है, इसलिए बच्चों इसको फ्रेज माना जाएगा। क्या माना जाएगा इसको, इसको एक फ्रेज माना जाएगा। परंतु बच्चों आपने ये भी देखा कि इस फ्रेज का प्रयोग आपने वर्ब के पहले किया है, यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर किया है। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर बच्चों आप किसी फ्रेज का प्रयोग करोगे तो नाउन का काम करेगा, तो नाउन फ्रेज कहलाएगा, है ना। तो एन एप्पल ए डे अर्थात रोज एक सेव खाना, अब बच्चों ये नाउन फ्रेज तो एक वचन माना जाएगा, इसलिए क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस जोड़ना पड़ेगा। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे का मतलब रोज एक सेव खाना क्या करता है, व्यक्ति को हमेशा डॉक्टर वगैरह से दूर रखता है और ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, निष्कर्ष बहुत अच्छा निकला है। परंतु उससे पहले कि आपको मैं निष्कर्ष लिखाऊं, आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं। लिखो, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज का मतलब होता है बच्चों टहलना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। मैं पहले बता रहा था कि जो व्यक्ति 5 बजे उठेगा और 5 बजे उठकर के अगर मान लो वो घूमने जाएगा तो शारीरिक दृष्टि से कैसा होगा, वो फिट होगा, ही शैल बी फिजिकली फिट, वो फिजिकली फिट होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टू वॉक ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में कहेंगे टहलना।
तो टहलना ये बच्चों क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आपने टू जोड़ दिया, इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव बच्चों अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो वह भी एक वचन माना जाएगा, और उसके लिए जो वर्ब आएगी बच्चों की कैसी होगी, वह भी सिंगुलर होगी। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष बच्चों निकला और बहुत अच्छा निकला, यहां बताता हूं क्या निष्कर्ष निकला, इसी को देखना। निष्कर्ष ये निकला बच्चों, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई क्लोज है, क्या है, हिंदी में कहते हैं इसे उपवाक्य, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई क्लोज है, या किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई फ्रेज है, या किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई जिरंड है, या किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई इन्फिनेटिव है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, वही होगा जो मैंने बताया है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई क्लोज है, कोई फ्रेज है, कोई जिरंड है, या कोई इन्फिनेटिव है, तो ऐसे वाक्य का सब्जेक्ट बच्चों हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, और उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई क्लोज है, या कोई फ्रेज है, या कोई जिरंड है, या कोई इन्फिनिटिव है, तो क्या होगा, तो ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चों हमेशा एक वचन माना जाएगा तथा अपने लिए एक वचन क्रिया लेगा, एक वचन माना जाएगा तथा अपने लिए एक वचन क्रिया लेगा। तो इस तरीके से बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, परंतु बीच में बच्चों हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों पेज नंबर 55 के ऊपर जो बातें लिखी है वो सारी समझा दी है मैंने। लास्ट में लिखा इन केस ऑफ ए फ्रेज, तो फ्रेज वाली बात अच्छे से क्लियर कर दी आप, आगे बढ़ाएंगे। नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेट ऑफ द सेंटेंसेस। ये देखो, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी इज कमिंग टू नाइट, बताया था आपको प्रेसिडेंट के आगे द आ रहा है लेकिन सेक्रेटरी के आगे द नहीं आ रहा है। जब बच्चों आर्टिकल या डिटरमिनर रिपीट नहीं होता तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति के पास दो पद हैं, एक ही व्यक्ति के पास दो पद हैं। जैसे आप जानते हो बच्चों देश का प्रधानमंत्री और योजना आयोग का, जिसको अब क्या बोलने लगे हैं, नीति आयोग, है ना।
तो योजना आयोग का, योजना आयोग जो है बच्चों उसका अध्यक्ष और देश का प्रधानमंत्री एक ही आदमी होता है। जो प्रधानमंत्री होगा वह क्या होगा, वो उसका पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन का अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन और द नीति आयोग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जो उस पद पे होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। उसी तरीके से आप जानते हो किसी विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है, राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। जो भी गवर्नर होगा वही किसी भी यूनिवर्सिटी का क्या होगा, चांसलर होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे बड़ा आदमी बैठता है वो तो वीसी होता है, वाइस चांसलर। उपकुलपति होता है, कुलपति कौन होता है, कुलपति तो राज्यपाल होता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो मैं बता रहा हूं कि जब मैं कहता हूं कि राज्यपाल और सुनना, राज्यपाल यूनिवर्सिटी के राज्यपाल और कुलपति तो एक ही आदमी है ना, तब मैं क्या बोलूंगा, द गवर्नर एंड चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्योंकि बच्चों एक ही व्यक्ति है जिसके पास दो पद हैं, जब एक ही व्यक्ति दो पदों को धारण करता है तो आर्टिकल रिपीट नहीं होगा, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर आएगी। देखो द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जा रहा है, आगे देखो द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी आ रहा है, क्योंकि यहां दो अलग अलग व्यक्ति है, प्रेसिडेंट अलग और सेक्रेटरी अलग। नेक्स्ट देखेंगे आप फैमिली, और इसके बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था क्या होता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है, जैसे जैसे सेंटेंस देखो बोर्ड की तरफ, वाक्य में प्रयोग करके मैंने आपको नहीं बताया था, बता रहा हूं, इधर देखो। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट यूनेनिमसली। ओके, दूसरा सेंटेंस, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द इश्यू। तो बच्चों आपने क्या देखा कि जूरी के बाद में क्या आ रहा, देखो द जूरी गेव इट्स, कि बच्चों अगर आपने जूरी को बहुवचन माना होता तो इट्स थोड़ी आता है, देर आता ना, लेकिन देर नहीं आएगा, आएगा तो इट्स ही, ये बिल्कुल सही है। जब जूरी को आप सिंगल यूनिट मानते हैं तो बच्चों उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और आगे जो पजेजिव आने वाला है वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन आइए वाला देखना, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द इश्यू, इसका मतलब ये हुआ कि मुद्दे पर कमिटी के सदस्यों में मतभेद हो गया। यहां बच्चों कमिटी के दो अर्थ हैं, कमिटी का मतलब समिति होता है और कमेटी का मतलब समिति का सदस्य भी होता है। जूरी का मतलब बच्चों जूरी यानी खंडपीठ होता है और खंडपीठ के जो मेंबर्स होते हैं दे आर आल्सो जूरी। फैकल्टी जानते हो फैकल्टी क्या होती है, फैकल्टी पढ़ाने वाला भी होता है और फैकल्टी बच्चों संकाय को ही कहते हैं, संकाय को भी फैकल्टी कहते हैं, जैसे आर्ट्स फैकल्टी, जैसे कॉमर्स फैकल्टी, जैसे साइंस फैकल्टी इत्यादि। परंतु आप जानते हो मैं एक फैकल्टी हूं, फैकल्टी कौन होता है, वन हू टीचेस, वन हू टीचेस इन द फैकल्टी इज आल्सो ए फैकल्टी। इन द सेम वे वन हु इज ए मेंबर ऑफ ए कमिटी इज आल्सो ए कमिटी, कमिटी का जो सदस्य होता है वो भी कमिटी होता है। तो कमिटी का मतलब बच्चों यहाँ पर जब आपने डिवाइडेड शब्द का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतभेद हो गया। अब आप जानते हो बच्चों समिति एक भाववाचक संज्ञा है, वो अपने आप में निर्जीव है, क्या समिति में मतभेद हो सकता है, नहीं हो सकता, समिति के सदस्यों में हो सकता है। तो जब समिति के सदस्यों में मतभेद हो गया तो एक से ज्यादा है और एक से ज्यादा तो कौन सी क्रिया है जी, बहुवचन क्रिया अर्थात प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बहुवचन क्रिया अर्थात प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों कहा था मैंने इस प्रकार का जो प्रयोग होता है उसको अंग्रेजी में आप बोलते हो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ये अंग्रेजी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो है उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है क्या कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे मैंने बताया था आपको फैमिली इज भी होता है, फैमिली आर भी होता है, फैमिली का मतलब परिवार होता है और फैमिली का मतलब परिवार के सदस्य मेंबर्स ऑफ द फैमिली भी होता है। फैमिली वर डिवाइडेड, डिवाइडेड आ गया तो बच्चों फिर दोबारा आएगा, लेकिन फैमिली वाज लिविंग हैप्पीली, परिवार बहुत खुशी के साथ में रह रहा था, ये इन बातों पे हमने बात की थी। देखो बच्चों ऑल द अबव सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकल, द सेंटेंसेस एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज, यूज ए सिंगुलर वर्ब व्हेन ए कंजॉइंट फ्रेज, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी रेफर्स टू अ सिंगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब बच्चों होता है इकाई,
जब किसी सिंगल एंटिटी बराबर जब किसी सिंगल यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, कैसे पता चलेगा? आर्टिकल एक बार आ रहा है या दो बार आ रहा है, आर्टिकल एक बार आ रहा है या दो बार आ रहा है। जैसे सेंटेंस लिखो आप, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। वाक्य शुद्ध करना है, बताइए क्या सेंटेंस लिख दिया आपने? ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। इसका मतलब यह होता है बच्चों कि एक गर्म और एक ठंडा झरना एक दूसरे के पास पाए गए। तो ईच अदर का प्रयोग बच्चों होता है एक दूसरे के पास, और ईच अदर का प्रयोग दो के सेंस में किया जाता है, लेकिन अगर संख्या दो से ज्यादा है तो ईच अदर नहीं आता, अभी तो वन अनोदर आता है, अभी तो वन अनोदर आता है। तो बच्चों ये सेंटेंस सही है या गलत है? मुझे तो ये सेंटेंस गलत लग रहा है, लेकिन तुम्हें बताओ कि तुम्हें ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है? ये सेंटेंस हमको तो गलत लग रहा है, पर आप ये बताइए कि आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। थोड़ी देर पहले नियम क्या बताया था? ये ए है बच्चों, ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल को बच्चों डिटरमिनर भी कहते हैं। वैसे सारे डिटरमिनर आर्टिकल नहीं होते, लेकिन जितने भी आर्टिकल हैं वो सब क्या डिटरमिनर्स हैं। मुझे ये समझाना है कि एन आर्टिकल इज आल्सो ए डिटरमिनर। मुझे आपको ये समझाना है कि एक आर्टिकल या एक अग्र शब्द जो होता है वह भी एक निर्धारक अर्थात डिटरमिनर होता है। इज इट क्लियर? तो मुझे समझाना है कि ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग, बच्चों आर्टिकल दो बार आ रहा है, तो दो बार आ रहा है तो इसका मतलब दो झरने हैं। ऐसा नहीं कि एक ही झरना है जिसके अंदर जो उसी में ठंडा पानी उसी में गर्म पानी है। साड़ी की स्थिति क्या होती है? एक साड़ी होती है बच्चों, वही ब्लैक होती है वही व्हाइट होती है, तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं आप। परंतु यह स्थिति दूसरी है, झरने अलग अलग हैं, एक ठंडे। आप बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, मुझे ठीक से याद नहीं है पर बहुत पहले मैंने पढ़ा था, आयोशियो एंड क्यूरोशियो की जलधारा है, एक ठंडी जलधारा होती है गर्म जलधारा होती है। यू कैन कंसल्ट दिस विद योर ज्योग्राफी टीचर। आयोशियो और क्यूरोशियो की धाराएं हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी याददाश्त काम कर रही है कि तो इन जलधाराओं का संबंध जापान से होगा। तो आप ये देखते हैं कि आयोशियो और क्यूरोशियो की धाराएं, एक ठंडी जलधारा है एक गर्म जलधारा है ना, ठीक ठीक पता नहीं है मुझे कि इनमें से कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक तो हॉट है और एक कोल्ड है, और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल आ रहा है, तो बच्चों फिर वाज कैसे आ सकता है? क्योंकि सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, और बच्चों प्लूरल वर्ब जो है उसके अंत में कभी भी एस नहीं आता, तब क्या करना पड़ेगा? इसे काट के वर करना पड़ेगा। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। आइए बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ बच्चों देखो, यूज ए सिंगुलर वर्ब एन ए कंजॉइंड फ्रेज। जब किसी संयुक्त फ्रेज का प्रयोग किया जाए, जैसे द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी रेफर्स टू ए सिंगल एंटिटी, ए प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड व्हेन इट कन्वेज ए प्लूरल मीनिंग, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी। कर दिया क्लियर? जब दो बार द अलग अलग आ रहा है तो बहुवचन है, लेकिन अगर द या जो आर्टिकल है वो केवल एक ही पहले आ रहा है तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति है और उसके पास दो पद हैं, उसके पास दो पद हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ए ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, दोबारा लिखो ए ब्लैक, गड़बड़ हो गया है, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, यहां देखो ए ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी वर बॉट बाय कोकिला। कोकिला के द्वारा क्या किया गया बताओ? कोकिला ने ऐसा कौन सा काम किया जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, ए ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी वर बोट बाय कोकिला, यानी कोकिला के द्वारा एक श्याम श्वेत माने काली और सफेद साड़ी खरीदी गई। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि साड़ी एक थी या दो थी? साड़ी एक थी। कैसे पता चला? ऐसे पता चला बच्चों कि ये माना कि इसमें एंड आ रहा है, परंतु बच्चों ब्लैक के पहले तो एक का प्रयोग हुआ और व्हाइट के पहले नहीं हुआ, इसका मतलब एक ही साड़ी है, और वही ब्लैक भी है वही व्हाइट भी है, तो जब साड़ी एक ही है तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को होना चाहिए सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब तो बच्चों वह होती है जिसके अंत में हमेशा एस आता है, इसलिए वर्ब को काट के वाज करना पड़ेगा। ए ब्लैक एंड व्हाइट सारी वाज बोट बाय कोकिला। कोकिला के द्वारा क्या किया गया बताओ? कोकिला के द्वारा बच्चों एक श्याम श्वेत साड़ी खरीदी गई, एक सफेद और काले रंग की एक साड़ी खरीदी गई। इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया है, आगे बढ़ेंगे।
यूज ए सिंगुलर वर्ब फॉर फॉर एन अनडिवाइडेड कलेक्टिव नाउन. ये बच्चों शब्द अच्छे से दिमाग में रखना, कमिटी आ जाए, फैमिली, स्टाफ, कल्चर. और ऊपर क्या बताया हमने आपको, ऊपर बताया बच्चों आपको हमने क्या, जैसे जूरी, और क्या बताया कमिटी, और बताया कैबिनेट, और बताया गवर्नमेंट. ये सब क्या है, ये वो शब्द है बच्चों जिनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. और कलेक्टिव नाउन का मतलब बच्चों साधारणतः ये सिंगुलर होते हैं और अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन जब भी जिन सेंटेंसेज में इनका प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, और अगर उन सेंटेंसेज में डिवाइडेड शब्द आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज कलेक्टिव नाउन्स एज ए सिंगल एंटिटी. इसका मतलब ये हुआ कि आप इन सभी कलेक्टिव नाउन्स के बारे में एक सिंगल यूनिटी के सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, बट यू आर टॉकिंग अबाउट देम, बल्कि आप उनके बारे में बात कर रहे हो रिगार्डिंग देयर डिफरेंट मेंबर्स. आप तो उनके अलग अलग सदस्यों के संदर्भ में बात कर रहे हो, यानी आपका तात्पर्य उनके सदस्यों से है. और सदस्यों से है तो बच्चों सदस्य तो एक से ज्यादा होंगे, इसलिए क्रिया कौन सी आएगी, क्रिया बहुवचन आएगी, माने प्लूरल वर्ब आएगी. आई थिंक इट इज क्लियर. आइए देखो, स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आस्क योर टीचर अबाउट द अंडरलाइंड यूसेज. नीचे जो बच्चों लिखे हुए सेंटेंस है उनको आप पढ़ेंगे, और इस अनुप्रयोग के बारे में आपको अपने जो मास्टर साहब हैं उनसे पूछना है. मेरा मतलब कौन से, किससे पूछना, मुझसे ही तो पूछना, वो मैं ही तो हूँ, चल गया ना, वो मैं ही तो हूँ, तो पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बिना पूछे एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना. तो आइदर मोहन और सम स्टूडेंट्स आर कमिंग टू मी, आइदर सम स्टूडेंट्स और मोहन इज कमिंग टू मी, ये क्या चक्कर पड़ गया है. देखो बच्चों पहले वाले सेंटेंस में आर आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले में इज आ रहा है, जबकि बात तो वही है, पहले मोहन और बाद में सम स्टूडेंट्स इधर आ रहा, सम स्टूडेंट्स उधर आ रहा, मोहन, चक्कर क्या पड़ गया है बताओ. ये चक्कर मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, परंतु अगर आपके आ रहा है तो यू कैन अप्लाई योर माइंड, आप अपना दिमाग अप्लाई करके देख सकते हैं. बताइए ये क्या समस्या हो गई है. जब आप कहते हो जी राम और उसके दोस्त, या कहते उसके दोस्त और राम, तो क्या मामला है, क्रिया कैसी होनी चाहिए, क्या दोनों स्थितियों के अंदर वर्ब को एक जैसा होना चाहिए. Shall the verb be the same in both the situations? क्या दोनों situations के अंदर दोनों स्थितियों में क्रियाओं को एक जैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. हिंदी की बात और है बच्चों, पर अंग्रेजी की बात और है, और ये जो कंसेप्ट है इसको आज ही क्लियर कर लें, क्योंकि जीवन में फिर दोबारा आपको इस कॉन्सेप्ट में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं. तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है बच्चों इधर लिखो ने नो, क्या लिखो एनी एनो एन नैनो. नैनो क्यों लिखा है मैंने, देखो बच्चों एन का मतलब लिखेंगे नाइदर नोर, क्या होता है नाइदर नोर, इसका मतलब होता है न तो और नहीं. नाइदर नोर का मतलब होता है न तो नहीं, जैसे आई टीच्ड नाइदर सोफिया नॉर केटी, इसका मतलब होता है कि न तो मैंने सोफिया को तंग किया और ना मैंने केटी को तंग किया, न तो नहीं, न तो मैंने सोफिया को तंग किया और ना मैंने केटी को तंग किया, न तो नहीं. उसी तरीके से आई ड्रिंक नाइदर टी नॉर कॉफी, मैं न तो टी पीता हूं और न मैं कॉफी पीता हूं, तो न तो नहीं. अंडा क्लियर. नेक्स्ट ई का मतलब होता है बच्चों देखो आइदर और, क्या होता है आइदर और, आइदर और का मतलब होता है या तो या, आइदर और का मतलब होता है या तो या, इसका मतलब होता है या तो या, जैसे हम कहते हैं आइदर किल और सेव मी, या तो तार दो या फिर मार दो. आइदर किल और सेव मी, या तो तार दो या फिर मार दो. उसी प्रकार से मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू बाई आइदर ए कार और ए स्कूटर, आई वॉन्ट टू बाई आइदर ए कार और ए स्कूटर, मैं एक कार या स्कूटर खरीदना चाहता हूं, मैं एक कार या स्कूटर खरीदना चाहता हूं. तो आइदर और की स्थिति क्लियर हो गई है. ओके, उसी तरीके से देखें बच्चों आप, इसके बाद में आ रहा देखो एन का मतलब लिखेंगे नॉट ओनली बट आल्सो. नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब क्या होता है, ये बात आप अच्छे समझ लो. नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है कि नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो पाकिस्तान, नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो पाकिस्तान हैव डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स. न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान ने भी नाभ किए हथियारों को विकसित कर लिया है. न केवल भारत अपितु पाकिस्तान ने भी क्या कर लिया है, हथियारों को विकसित कर लिया है. एक बात और समझो बच्चों,
not only Ram, na keval Ram, main aapko kehta hu ki not only Ram but his friends as well were present in the party. To kai baar kya hota hai bachcho, iska prayog yo bhi dekhne ko milta hai, dekho, not only, theek hai, not only but, dekho kya kaha maine, maine aapko kaha ki not only Asaram, not only Asaram but his family members were involved in the mal practices as well. ये आलसो का प्रयोग नहीं करके मैंने किसका प्रयोग कर दिया, मैं बताना चाहता हूं ये कई बार आलसो के स्थान पर या उसके एवज में एज वेल का प्रयोग किया जाता है. मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि न केवल आशाराम बल्कि उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी क्या थे, उस माल प्रैक्टिस के अंदर अर्थात उस बुराई के अंदर, है ना, उसके जो षड्यंत्र थे उनके अंदर कौन कौन शामिल थे, नहीं केवल आशाराम शामिल था बल्कि उसके घरवाले भी उसमें शामिल थे, ऐसा हमने कह दिया है. ठीक है, तो मुझे जो समझाना है वो सिर्फ ये है कि आप देख रहे हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो से भी आप दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं और ये क्या होता है, ये और होता है. और का मतलब क्या होता है, और का मतलब मैं आपको ये कहता हूं जी, मैं आपको कहता हूं कि और का मतलब ये होता है कि डू और डाई, ये महात्मा गांधी ने कहा था, या तो करो या मरो. पर वो करो मरो वाली बात दूसरी है. मैं आपको कहता हूं कि जब आप और से किसको जोड़ते हो, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि सैम और इज क्लासमेट्स, सैम या उसके कक्षा के साथी, आगे देखेंगे हम लोग. और ये जो एन है बच्चों, इसका मतलब होता है केवल नोर, केवल नोर. मुझे बच्चों आपको यह समझाना है कि जब आप इन कंजंक्शंस की सहायता से दो कर्ताओं को जोड़ते हैं, जब आप इन कंजंक्शंस की सहायता से दो क्रियाओं को, जो दो कर्ताओं को जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, तो बच्चों क्या स्थिति होती है, तो क्रिया हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार या बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार या अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती. नहीं आई बात समझ? मैंने कहा कि सेकंड सब्जेक्ट, क्या कहा मैंने, सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है. मैंने कहा कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आती है. मैंने आपको कहा कि वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है, या मैंने यह भी कहा कि वर्ब अपने पास वाले, उसके जो पास होगा उसके अनुसार आएगी. जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपका सेंटेंस किताब में बच्चों यही तो लिखा हुआ है, देखेंगे आप, आइदर मोहन छोड़ दो और सम स्टूडेंट्स आर. अब बताओ आर के पास में कौन है, सम स्टूडेंट्स, ये एक वचन है या बहुवचन है, ये बहुवचन है तो बच्चों आ ही तो आएगा. लेकिन अगर मान लो यहां मोहन होता तो इजी तो आता, उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा. देखेंगे आप, आइदर मोहन और सम स्टूडेंट्स आर कमिंग टू मी, या तो मोहन या कुछ अन्य विद्यार्थी मेरे पास आ रहे हैं. और आगे देखो बच्चों, उल्टा कर दिया इस बार, आइदर सम स्टूडेंट्स और मोहन. अब मोहन एक वचन है तो इसका प्रयोग हो जाएगा, आइदर सम स्टूडेंट्स और मोहन इज कमिंग टू मी. समझ में आ रहा है? उसी तरीके से देखो, वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस इज द अटर डार्कनेस. यह बच्चे बताया गया कि जो सबसे मुख्य कारण थे ना, उनमें से एक मुख्य कारण क्या था, अत्यंत अंधेरा. अटर का मतलब अत्यंत होता है. अब बच्चों मुझे यह समझाना है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, पर उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है. जैसे वन ऑफ हिज डॉटर्स, ना कि डॉटर, वन ऑफ हिज डॉटर्स इज अनमेरिड. उसकी बेटियों में से एक अभी क्या है, अभी कुमारी है. उसकी बेटियों में से एक अभी कुमारी है. तो बच्चों आपने क्या देखा कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, परंतु उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी. जैसे मैं कहता हूं जीजा भाई वाज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, जीजा भाई वाज वन ऑफ द बेस्ट मदर नहीं, मदर्स. सत्यजीत राय वाज वन ऑफ द बेस्ट, सत्यजीत राय वाज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, ठीक है. ओके बच्चों, और अंतिम सेंटेंस, आई नो वन ऑफ द पर्संस हु आर हियर, जो लोग यहां मौजूद हैं उनमें से एक आदमी को मैं जानता हूं. तो वन ऑफ द पर्सन नहीं आएगा, पर्सन आएगा. और आइए बच्चों, जो हु की स्थिति क्या है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. हु बिच और दैट को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. और इनके बाद जो वर्ब आती है वह हमेशा इनके ठीक पहले आने वाले शब्द के अनुसार आती है, जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं. जिन्हें इसका एंटीसीडेंट कहते हैं, तो ये जो बात है बच्चों अपनी, ये अधूरी रह गई है, और इस अधूरी बात को हम करेंगे अगली कक्षा में पूरी. नमस्कार बच्चों.